मेरा नाम है तनवीर और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टॉक विद तनवीर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपने USB पोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, एकदम ब्लॉक कर देंगे। इससे पहले भी हम एक वीडियो बना चुके हैं कि USB को कैसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो ग्रुप पॉलिसी के द्वारा था। आप आई बटन पर जाकर के देख सकते हैं कि ग्रुप पॉलिसी से कैसे रिस्ट्रिक्ट करते हैं, लेकिन इस बार हम जो बात कर रहे हैं स्ट्रिक की बात कर रहे हैं रजिस्ट्री के द्वारा, और रजिस्ट्री से हम अपने USB को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे, तो कोई भी पोर्ट हमारे USB का काम नहीं करेगा। दोस्तों, मैं एक बात बोलना चाहूंगा, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले आइकन को दबाएं ताकि न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहे। चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और देखते हैं कि कैसे USB को हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं ताकि कोई भी पोर्ट रजिस्ट्री के द्वारा काम न करे और हमारे डेटा को कोई भी चुरा न सके या कॉपी न कर सके। दोस्तों, जैसा हमने बताया कि हम इस वीडियो में जानेंगे कि हम USB को कैसे ब्लॉक करेंगे। हम यहाँ पे दिखा देते हैं आपको कि USB लगा हुआ है और USB काम भी कर रहा है, रिमूवेबल डिस्क। चलिए हम देखते हैं कि सबसे पहले हम रजिस्ट्री ओपन करेंगे और रजिस्ट्री को ओपन करने के लिए रन पे जाने के बाद यहाँ पर टाइप करना होगा रजिस्ट्री एडिट। जैसे इसको टाइप करें ओके करेंगे, ओके करने के बाद कुछ इस तरह से खुल के आ जाएगा। यहाँ पे देखिए रजिस्ट्री एडिटर लिखा हुआ है। इसके बाद हम चलेंगे यहाँ पे, ये दिया हुआ है की लोकल मशीन, इस पर जाएंगे। इस पर जाने के बाद आपको जाना होगा सिस्टम पर। यहाँ आप सिस्टम पर क्लिक कर लेंगे। सिस्टम पर जाने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा कंट्रोल सेट, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे सर्विसेज का ऑप्शन देगा, इस पर जाएंगे और यहाँ से थोड़ा सा नीचे आएंगे और हमको मिल जाएगा यहाँ पर USB टॉर करना मिले तो आप यहाँ पर ऐसे टाइप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये दिख रहा है। अब क्या करेंगे, इस पर हम डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से सामने इधर खुल के आ जाएगा। देखिए स्टार्ट का ऑप्शन दे रहा है। इस पर जाने के बाद हम यहाँ पे जो इसकी वैल्यू दे रहा है 3, इसको हम बढ़ा करके 4 कर देते हैं। तो 4 करने के बाद ओके कर देते हैं और इसको अभी मिनिमाइज कर देते हैं और चेक करते हैं कि हमारा USB काम कर रहा है कि नहीं। एक बार मैं USB को निकाल लेता हूँ और फिर लगाता हूँ कि USB काम नहीं कर रहा है, चाहे जिस भी USB पोर्ट में आप लगाएंगे काम नहीं कर रहा है। चलिए अब हम फिर से क्या करते हैं, इसको हम यहाँ से स्टॉप कर देते हैं, इसकी वैल्यू को चेंज कर देते हैं 3 की, फिर 4 की जगह हम इसको क्या कर देते हैं 3 करके ओके कर देते हैं और फिर मिनिमाइज कर देते हैं। एक बार क्या काम करते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं और कंप्यूटर को ओपन करके चेक करता हूँ। अब हमारा USB काम करने लगा है। दोस्तों, अब जब भी ये वीडियो देख रहे हैं, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, सबका खैर,